ये मसलक के झगड़े ये मसलक के झगड़े ये आपस की रंजिश ये मसलक के झगड़े ये आपस की रंजिश न प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश में हूँ। इससे पहले जो मेहमान तशरीफ लाए हैं जो बाजाबता प्रोग्राम सुनने के लिए आप तशरीफ फरमा हैं उससे पहले मैं मदरसे के दो तालिबे इल्म को मोहम्मद जैद मोहम्मद अली ये दो बच्चे हैं ये आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे और मुकालमे से ये आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि मकतब और मदरसा क्या है और इंग्लिश और कॉलेज की जो तालीम है वो क्या चीज़ है। दोनों बच्चे तशरीफ ला चुके हैं ये आपके सामने एक मुकालमा शानदार अंदाज में पेश करना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मोहम्मद जैद मोहम्मद अली स्टेज पे आ जाओ स्टेज पे। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اس وقت علی بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو میں اس وقت اپنے مکتب ضیاء العلوم مدار پور سے دینی تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہوں اور آپ زید بھائی کہاں سے آ رہے ہو میں بھی اپنے انگلش اسکول سے ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں دیکھو میں نے کتنا اچھا یونیفارم پہنا मैं भी दीन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ।
बिरादरान इस्लाम, ये दोनों मदरसे के तालिब इल्म हैं और इन्होंने आपको एक सबक बतलाया कि बच्चे को आप कितनी ही ऊंची तालीम दे लें, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में उसका दाखिला करा दें, लेकिन मजहबी तालीम और बुनियादी तालीम जरूरी है। इस बच्चे ने जो गुस्ल के अंदर पांच फर्ज बतलाए हैं, मुझको भी हंसी आई, लेकिन मैं सच्ची बात बतलाऊं, ये तो असातिज़ा ने मेहनत करके इन बच्चों को तैयार किया है। मौलाना मुस्तकीम साहब बस्तवी, ये प्रोग्राम में मैं शामिल था और वो बयान कर रहे थे कि इसी यूपी के अंदर सख्त ठंडी थी और हमारी जमात चल रही थी और जमात में चलते चलते मुसलमान है, हमने उससे पूछा कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं, तो उसने साफ लफ्जों में कहा चार। मौलाना मुस्तकीम साहब बस्तवी, जिन्होंने पूरी जिंदगी तबलीग में अपना पूरा वक्त लगाया था, पूरा वक्त सर्फ कर दिया था, वो बयान कर रहे हैं कि हमने पूछा चार फर्ज भैया कहां से, तो उसने कहा कि तौलिया, साबुनदानी, गर्म पानी, पूरे बदन पर पानी पानी। इन बच्चों को तैयार किया गया है, लेकिन आज कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं। और दोस्तों, आज पूरी दुनिया, आज की जो टेक्नोलॉजी दुनिया है, जिसको आप तरक्की याफ्ता दौर शुमार कर रहे हैं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जहां पे साइंस की इंतहा होती है वहां पे हमारी इब्तिदा होती है, जहां पे साइंस खत्म हो जाती है इस्लाम वहीं से शुरू होता है। एक आदमी, मैं बंबई में जब पढ़ा रहा था, एक प्रोग्राम में मैं इस तरह से बोल दिया, एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा आपने तो साइंस को अमलिया मेट कर दिया, कैसे? मैंने कहा जहां पे साइंस की इंतहा होती है इस्लाम की वहां से इब्तिदा होती है। और नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर कुरान दुनिया में न होता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया में ना ही होती, साइंस का वजूद ना होता। जो आज आप साइंस के चक्कर में पड़े हुए हैं, साइंस का वजूद ना होता, साइंस को वजूद देने वाले, साइंस को दुनिया में पैदा करने वाले ये मुसलमान हैं। कुरान आया, साइंस आई, इस्लाम आया, साइंस आई। एक आदमी बीमार होता है, आपके मदारपुर का वो आदमी बीमार हुआ है, आजमगढ़ ले गए, वहां से जवाब मिला बनारस ले गए, वहां से जवाब दिया डॉक्टर ने आप लखनऊ ले गए, वहां से डॉक्टर ने जवाब दिया बंबई ले जाओ, बंबई जब ले गए वहां से उसने जवाब दे दिया घर ले जाओ। जब आप घर ले आते हैं, आप मदरसे में मौली साहब के पास आके कहते हैं दुआ कीजिए, जहां पे साइंस की इंतहा हुई है इस्लाम की वहां से इब्तिदा हो रही है। ये हमारे बच्चों ने एक मुकालमे की शक्ल दी है, लेकिन उन्होंने इस्लाम को बतलाया है कि बुनियादी तौर पे इस्लाम की तालीम जरूरी है। अफसोस उस वक्त होता है जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तालिब इल्म बाप के जनाजे में खड़ा होता है और उसको दुआ याद नहीं होती। हकीकत में वालदैन का जब इंतकाल होता है, जिस दर्द के साथ उसकी औलाद अल्लाहुम्मा ग़फिर ली जो दुआ पढ़ती है, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना इला आखिरी, औलाद जो दुआ पढ़ती है उसके दिल में जो दर्द होता है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, इमाम साहब को दर्द नहीं होता। इसलिए अपनी औलाद को पहले इस्लाम से आरास्ता कीजिए, और दुनिया में जो बड़ी शख्सियत बनी है, दुनिया में जो शख्सियत ने तरक्की की है, जो तरक्की के रास्ते तय से तय हो सकते थे, मकतब की देन है और मदारिस की देन है, जिन्होंने ऐसे अफराद को पैदा करके दुनिया के सामने पेश किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जहां पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं,
आपने नाम सुना होगा ओबामा। इंडोनेशिया में मकतब में वो पढ़ा हुआ था जो दुनिया के सुपर पावर ताकत का मालिक मकतब से उसकी तालीम थी। हिंदुस्तान में जिसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था एपी अब्दुल कलाम मकतब के पढ़े हुए। आप मकतब को मामूली न समझिए, ये मकतब ये वो जगह है जहां से तरक्की के सारे रास्ते तय किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने मदरसे पे फख्र कीजिए। 1866 से लेके जो हमारे अकाबरीन ने पूरे हिंदुस्तान में मदारिस मकातिब का जाल फैलाया, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ इस्लाम को जिंदा करने में इनका हम रोल रहा है। मैं तो मुकर्रर की हैसियत से यहाँ पे हाजिर नहीं हुआ, अभी आपके सामने हमारे 16 बयान मुकर्रर शानदार बयान करने वाले मौजूद हैं, वो आपके सामने भी तफसील बात करेंगे कि हमारे मदारिस ने कौम को क्या दिया। कुरान करीम में अल्लाह जल्ले शानहु इरशाद फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह जल्ले शानहु इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने कुरान को उतारा है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यहाँ पे जो लोग अरबी को जानने वाले हैं और हमारा जो इलाका है तकरीबन अरबी को समझने वाला है, कुरान करीम में अल्लाह जल्ले शानहु ने जहाँ पे कुरान का तज़किरा किया है और उसकी हिफाजत का तज़किरा किया है तो जो सेगा इस्तेमाल किया है वो जमा का सेगा इस्तेमाल किया है। हालांकि अल्लाह जल्ले शानहु एक है वाहिद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, नज़्ज़लना इस्तेमाल किया है, नहनु इस्तेमाल किया है, अना का इस्तेमाल नहीं किया है। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून यहाँ पे भी जमा का इस्तेमाल किया है। ये हमको बतलाना है अल्लाह जल्ले शानहू को कि जो मदारिस की शक्ल में मकातिब की शक्ल में जो इदारे काम कर रहे हैं ये सारे के सारे कुरान पाक की हिफाजत करने वाले। इसलिए अब मैं अपनी बात को यहीं पे मुख्तसर करना चाह रहा हूँ, बात मेरी बढ़ जा रही है और बच्चे के मुकालमे से मैं ही बिल्कुल वश्र में आ गया, एक शौक मेरे अंदर पैदा हो गया तो मैंने थोड़ी सी कुरान पाक पर रोशनी डाल दी।